इसलिए सारी संस्थाएं सारे गणमान्य संकल्प पत्र आपके पास आ गया है। कौन इस तारीख को आएगा अपने टीम के साथ वो तारीख अपन तय कर लेंगे। लगातार से मेरे को जारी रखना है, हमको अभी शहरी क्षेत्र में हरानी से लेके और कालीपुर तक ये 3 करोड़ एरिया है, इस एरिया को कैरीकर करना है, साफ करना है। जहां लगाएंगे तो सरकार प्रशासन की गंभीरता से लेगी, कोई भी लगेगा। हमारी बात हुई है नमामि गंगे अधिकारियों से भी, वो भी इसमें 3 तारीख से अपना जेसीबी है, फोकलैंड मशीन है, ये हमको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पता काम करेंगे, हमको इतना काम करना है। इसलिए आज संकल्प पत्र आपने भरा है, उस संकल्प पत्र भरने के बाद हमको लगातार इस सरकार को चलाना है, और जब तक अंजाता नहीं बन जाए तब तक जवान को बंद नहीं करना है। तो मैं चाहता हूं कि आज हम सब संकल्प के जाए कि मुराद नदी हमसे मांग रही है ऋण, हमारे पुरखों भी देखा है, हमने देखा है कि मुराद नहीं सुंदर थी, इस नदी को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। ये काम आज जो साथी है जितने बैठे हैं संगम में हैं, ये मुराद नदी सुंदर बनाना है तो मुराद नदी सुंदर बन जाएगी, इस सब पे देखता कर लिया। इसलिए नदी की सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो नदी होती है वो माँ के समान होती है। जब उसमें सारी गंदगी फेंक रहे हैं और हमारे संतों ने कहा है कि हम भी पेड़ लगवाएंगे, तो अपनी सबकी मदद करेंगे, इसमें पूरा संतों का सहयोग रहेगा और सभी संत आके सड़ेगा फावड़ा भी चलवाए देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे संत जनता से कभी पीछे नहीं हटते हैं। जहां जहां हमारे संतों को बनाया जाता है वहां हर जगह पहुंचते हैं, हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं, और ऐसे ही जब तक संत जिंदे रहेंगे तब तक होते रहेंगे, ये भी बात है, कोई संत अलग नहीं जाएगा। बस मेरा कहना है हमारी जनता जो बैठी है उसी से है कि पीछे मत हट जाना, जब संत आ रहे हैं और संतों का आशीर्वाद है तो आप सभी लोग उसमें सहयोग करोगे, तन मन धन सब कुछ अर्पण करोगे, यही मेरा सबसे कहना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय कम है। कोटि से धन्यवाद।